देश में कोरोना की दूसरी लहर की बेकाबू रफ्तार पर लगाम लग रहा है। 73 दिनों बाद कोरोना के एक्टिव मामले 8 लाख से कम हुए हैं और 58 दिन बाद एक दिन में मौत का आंकड़ा 2000 से कम हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 62,480 नए कोरोना के केस आए और 1,588 संक्रमितों की जान चली गई। बीते दिन 88,977 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि कल 28,084 एक्टिव केस कम हो गए। इससे पहले बुधवार को 67,208 केस दर्ज किए गए थे। देश में लगातार 36वें दिन कोरोना वायरस के नए मामलों से ज्यादा रिकवरी हुई है। 17 जून तक देश में 26,89,00,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 32,59,000 टीके लगाए गए। वहीं अब तक करीब 38,71,00,000 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन करीब 19,00,000 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 4% से ज्यादा है। आज कोरोना संक्रमण की ताजा स्थिति, कुल कोरोना केस 2,97,62,793, कुल डिस्चार्ज 2,85,80,647, कुल एक्टिव केस 7,98,656, कुल मौत 3,83,490। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.29% है, जबकि रिकवरी रेट करीब 96% है। एक्टिव केस घटकर 3% से कम हो गए हैं। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का तीसरा स्थान है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भी भारत का दूसरा स्थान है, जबकि दुनिया में अमेरिका ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौत भारत में हुई है। कोरोना वायरस से जुड़ी ऐसी ही और भी कई तमाम खबरों को सबसे पहले पाने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ।